गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की बुक की दूसरी पोयम फायर एंड आइस, व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम फायर एंड आइस लिखी हुई है, उस पोयम के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इस पोयम किस चीज के ऊपर है, क्यों लिखा है उन्होंने, और कौन सा मोरल मैसेज हमें वो देना चाहते हैं, इस चीज के लिए हम बात करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम, इस पोयम का नाम जो उन्होंने रखा है फायर एंड आइस, तो हकीकतन ये जो दो वर्ड है फायर एंड आइस, वो फायर और आइस नहीं बल्कि सिंबॉलिक है। उन्होंने किसी और वर्ड के बारे में बताया है, फायर से रिलेट किया किसी और वर्ड को और आइस से रिलेट किया किसी और वर्ड को। तो अगर हम बेसिकली शुरुआत से बात करें पोयम के, तो दुनिया में हर वो चीज जो हम देखते हैं, जैसे दुनिया में हर वो चीज जिसने जन्म लिया है उसे कभी ना कभी खत्म ही होना है, उसी तरीके से लोग बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खत्म होने के बारे में। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल, एक सभा है जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए, और जैसे सभी से एक सवाल किया जाए कि आपको क्या लगता है दुनिया कैसे खत्म होगी, तो कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ लोग कहेंगे कि आइस से खत्म होगी। और ये फायर और आइस किस वर्ड को बताया गया है, उसी चीज को हम समझते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस पोयम की बात करें, तो उन्होंने 8 लाइन में इस पोयम को खत्म किया है, बहुत ही शॉर्ट और सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की, और रीडर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है कि वो कैसे इस पोयम को समझते हैं। तो द फर्स्ट वन लाइन इज, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया बर्फ से खत्म होगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, है ना। तो फायर और आइस यहाँ किस चीज को बताया गया, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि फायर यहाँ पे हम उस चीज की बात कर रहे हैं, हेट्रेड, नफरत, लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा नफरत है, एक कॉन्फ्लिक्ट, तकरार, फ्यूरी, क्रुएलिटी, ग्रीड, ये सारे जो इमोशंस हैं, ये हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं, उससे पहले खुद का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और अगर हम आइस की बात करें, तो इट इज ऑल अबाउट लॉस्ट, रिजिडिटी एंड इनसेंसिटिविटी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब सुबह से शाम तक जो एक डिजायरेबल चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, एक कैट एंड रैट रेस हो रहा है, इस चक्कर में वी मे गो यू नो बियॉन्ड द एक्सटेंट, हम उस हद को पार कर जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम हार्म कर रहे हैं दूसरे लोगों को, अपने डिजायर को पाने की लालसा में, अपने डिजायर को पाने की चाहत में हम दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इनडायरेक्टली और समवा डायरेक्टली वी आर हर्टिंग द वर्ल्ड एज वेल, हर्टिंग द पीपल अराउंड अस एज वेल, अपने आसपास के लोगों को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो जैसे अगर आग की बात कीजिए, तो आग इट इज स्टिल ओके एज मच एज इट इज इन कंट्रोल, तो आग जब तक आपके काबू में है वो बेहतर है, बेनिफिशियल है। वैसे ही जो डिजायर आपके मन में उभरती है, जब तक वो आपके काबू में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बेहतर है। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे उस आग को उन्होंने हेट्रेड, लोगों के दिलों में जो नफरत, गलत भावनाएं पैदा हो रही, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी और ग्रीड, लालच, लालसा और दुर्व्यवहार, क्रूरल हो रहे लोग एक दूसरे से, किसी भी हद तक किसी चीज को पाने के लिए चले जाते, उसी चीज के बारे में बताया गया। एंड द आइस इज ऑल अबाउट कि अगर हम बर्फ के टुकड़े को स्किन के किसी भी हिस्से पे रखें थोड़ी देर के लिए, कई बार शायद बहुत से लोगों ने किया होगा, तो वो हिस्सा कुछ देर के लिए इट गेट्स नम, इनएक्टिव हो जाता है, कुछ देर के लिए वो सुस्त पड़ जाता है स्किन का वो हिस्सा। इसी तरीके से आइस को उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम उस डिजायर के चक्कर में लॉस्ट हो चुके हैं, हम रिजिड हो चुके हैं और बुराई के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, बस वी आर जस्ट चेजिंग थिंग्स, वी आर जस्ट फॉलोइंग ड्रीम्स, और उस चक्कर में हम बहुत सी गलत चीजें भी कर जाते हैं, और विच इज गोइंग टू हर्ट द वर्ल्ड, विच इज गोइंग टू हार्म द पीपल अराउंड अस। तो उसी पोयम को उन्होंने इस फायर एंड आइस के जरिए समझाने की कोशिश की है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तबाही, दुनिया के खत्म होने के बारे में जो बात की है। तो उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया कि या तो फायर खत्म कर सकता है या तो आइस। तो पोयम की तरफ बढ़ते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहेंगे कि दुनिया आग से खत्म होगी, सम से इन आइस, और कुछ कहेंगे कि दुनिया बर्फ से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पे राइटर खुद को कह रहे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब व्हाटएवर ही हैज एक्सपीरियंस्ड अप टू नाउ, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग को फेवर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। तो यहाँ पे राइटर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, अभी तक दुनिया को अपनी नजर से फिगर आउट किया है, वो यही समझा कि मैं उन लोगों को फेवर कर रहा हूँ या उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। और इस लास्ट फोर लाइन में वो ये कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे ये जो वर्ड
perish है, इसका मतलब होता है destruction, तबाह हो जाना. But if it had to perish twice, अगर दो बार खत्म होना होगा दुनिया को, I think I know enough of hate, और मुझे पता है कितना ज़्यादा नफरत है, कितनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं यहाँ. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. ये कहने के लिए कि अगर बर्फ से भी तबाही होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा and would suffice, and suffice means sufficient. Is also great. तो first four line में writer यही कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, मतलब कुछ का मानना है कि fire की वजह से जाएगी, यानी hatred, cruelty और greed. और कुछ का कहना है कि दुनिया आग से खत्म होगी. उन्होंने third line में अपना भी experience बताया, अपना desire भी बताया कि जो उनकी ख्वाहिश है, जो वो सोचते हैं, जो he has experience, वो ये कहते हैं कि वो उनके साथ है जो कहते हैं दुनिया बर्फ से खत्म होगी. लेकिन अगर इसे दो बार खत्म होना है, एक बार आग से अगर हो चुका है, और अगर दूसरी बात ये बर्फ से भी हो, तो इतना ज्यादा मैं जानता हूं, इतना ज्यादा इनफ ऑफ हीट है इस दुनिया में, कि अगर आइस से भी हो तो वो काफी होगा, वुड बी सफिशियंट. यही समझाने की उन्होंने कोशिश की है. तो अगर इस पोयम की हम रिदम की बात करें, राइमिंग स्कीम की बात करें, तो फर्स्ट फोर लाइन का जो राइमिंग स्कीम है आप देखेंगे, फायर इज sounding similar to desire, and again desire is sounding similar to fire, or ice is sounding similar to twice, and hate is sounding similar to great, and again ice is sounding similar to surface. तो अगर इसके rhyming scheme की बात करें, तो fire और desire और fire यहाँ पे same है. It means हम अगर इसे A consider करते हैं rhyming scheme बनाने के लिए, तो desire का भी A होगा और fire का भी A होगा. लेकिन fire और ice they are not sounding similar, इसीलिए हम इसे B consider करेंगे. तो ice and again twice, तो ये भी B हो जाएगा. Hate एक अलग word हो गया, ना ये A है ना B, तो it is C. तो hate और great is sounding similar, and again ice and suffice. तो हमने ice को B consider किया था, तो B and B. तो इसका जो rhyming scheme हो जाएगा, वो A B A A B C B C B. ये इस poem का rhyming scheme है, जिसके जरिए Robert Frost ने हमें समझाने की कोशिश की है about the ending of the world, about the destruction of the world, जो बहुत ही short way में और summarize करने की कोशिश किया मैंने. I hope आपको ये ठीक लगा होगा. Thanks for watching.